प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आम सहमति से उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बैठक चल रही थी, किसी को भी अभी तक नेता नहीं चुना गया है। विधायकों ने अखिलेश यादव पर ही भरोसा जाहिर किया है। अखिलेश यादव पर नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर बात छोड़ दी गई। बड़ी बैठक चल रही थी समाजवादी पार्टी में, बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। किसी भी नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। आम सहमति से किसी को भी नेता नहीं चुना गया। समाजवादी पार्टी में यह बैठक चल रही थी, बैठक समाप्त हो चुकी। किसी भी नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। आम सहमति से किसी भी नेता को अभी तक चुना नहीं गया है। सभी विधायकों ने अखिलेश यादव पर ही जिम्मेदारी डाल दी है और अब उन्हीं को ही यह चयन करना है। अखिलेश यादव पर नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात छोड़ी है। फिलहाल शिवपाल यादव समेत तमाम जो दिग्गज नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। सीमा मेरे साथ मौजूद हैं। सीमा, बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर अखिलेश यादव पर छोड़ चुके हैं कि वही जो तय करेंगे उन्हीं को तय करना है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि अखिलेश यादव बैठक ले रहे थे और सभी नेता जो है वो वहां बैठक में मौजूद थे। थोड़ी देर में बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है थोड़ी देर पहले, और शिवपाल यादव सहित तमाम विधायक आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि निकलना भी शुरू हो गए हैं। एक एक करके विधायक तमाम निकल रहे हैं और विधायकों से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो है वो अखिलेश यादव पे इस बात को छोड़ा गया है कि वो किसको नेता प्रतिपक्ष बनाए, क्योंकि तमाम ऐसे नेता थे, तमाम विधायक थे, तमाम लोगों के नाम की चर्चा थी, लेकिन कि फिलहाल इन चर्चाओं पे विराम लग गया है। अब अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे, जाहिर है बयान देंगे और प्रेस नोट जारी करके वो बताएंगे कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्योंकि कोई भी विधायक अंदर की जो बातें हैं उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं है। हालांकि तीन चार नाम जो है वो सामने आ रहे थे, इंजी सरोज का नाम, रामअचल राजभर का नाम, शिवपाल यादव का नाम, इनका चर्चा में नाम था कि इन लोगों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जो जिस तरह से विधायकों का मामला रहा, विधायकों ने साफ तौर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि हम लोगों ने एक स्वर में इस बात को कहा है कि अखिलेश यादव जो तय करेंगे वो हम लोग जो है वो मानेंगे और उसी के नेतृत्व में विधानसभा में आवाजें उठाई जाएंगी जनता की। तो अब अखिलेश यादव को निर्णय करना है कि कौन नेता जो है प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और कौन मुख्य सचेतक बनेगा। बहरहाल चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक एक करके विधायकों के निकलने का सिलसिला जारी है। ये यहाँ पर तमाम विधायक निकल रहे हैं, नेता निकल रहे हैं और बहुत सारे विधायकों के निकलने का सिलसिला अभी जारी है। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के गेट पे एक एक करके जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं और तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर निकलने का सिलसिला उनके लगातार जारी है। तो तस्वीरें साफ हैं और इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव अब आने वाले वक्त में जो है वो फैसला लेंगे कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना है। बहरहाल बहुत सारे विधायक थे, सारे मंत्री यहाँ पर नेता रहे हैं और इस बात को सभी ने एक स्वर में वहाँ पे कहा है। नामों की चर्चा हालांकि हुई है वहाँ पे कि किसको बनाया जाना है, किसको नहीं बनाया जाना है। बावजूद उसके गुड्डू जमाली जी, गुड्डू जमाली जी से बात कर लेते हैं। गुड्डू जमाली जी, सर आज बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए अभी बहुत सारे लोगों ने वही सवाल पूछा, आप भी वही पूछ रहे हैं लीडर अपोजिशन के बारे में। उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो निर्णय लेंगे, सबने यही उनको बोल दिया है कि सर आप जो भी निर्णय लेंगे सबके लिए स्वर मान होगा। सर कई लोगों के नाम चर्चा में थे, किसी नाम की चर्चा हुई है? वो मुझे नहीं मालूम, वो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। तो फिलहाल कोई भी नेता प्रतिपक्ष के मामले में बोलने को तैयार नहीं है और सबका यही कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अखिलेश यादव पर फैसला छोड़ दिया गया है कि फैसला अब अखिलेश यादव को करना है। बहरहाल अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर
अब फैसला करेंगे जल्द ही, और जो भी नेता यहां से निकलकर आ रहे हैं वो उनका सबका यही करना है कि अखिलेश यादव ही निर्णय लेंगे कि मनोज की उनके मुख्य सचेतक किसको बनाना है। और सर क्या 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 कुछ सर रहा बैठक में? कल चूंकि विधानसभा चल रही है तो जिस तरह से पूरा प्रदेश जल रहा है, गांव में न बिजली है, न किसानों को नारों में पानी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अभी देश का बजट आया उसमें उत्तर प्रदेश सूना है, इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई कल। हम लोग इस सवालों को लेकर के विधानसभा प्रदेश तो सर जल रहा है, चलिए मान लिया आपकी बात, नेता प्रतिपक्ष पे क्या चर्चा हुई इस पे जानना चाह रहे हैं लोग सबसे ज्यादा कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। बहुत जल्द ही आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी जानकारी दे देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया गया, किन्हीं नामों पे चर्चा हुई है? 3-4 नाम चर्चा में थे, इंजीनियर सरोज शिवपाल यादव, राम अचल राजभर, इन सब जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो विधायक है वो बचते हुए इस सवाल पर नजर आ रहे हैं साफ तौर पर कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और कौन जो है किसके सर पे नेता प्रतिपक्ष का ताज जो है वो बांधा जाएगा। विधायक जी से बात कर लेते हैं। विधायक जी क्या रहा बैठक में, किसको बना रहा है नेता प्रतिपक्ष आप? देखिए विधानमंडल दल की बैठक थी आज, जब भी सदन आहूत होता है तो विधानमंडल दल की बैठक सभी दल करते हैं और हमारे यहाँ तो इसलिए समाजवादी पार्टी में बैठक अहम थी कि नेता विरोधी दल जो थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी वो कन्नौज से सांसद चुने गए और नेता विरोधी दल का पद उन्होंने खाली कर दिया, तो नेता विरोधी दल के लिए उन्हीं को अधिकृत कर दिया है सभी विधायकों ने कि जिसको आप तय कर लेंगे हम उसी को स्वीकार करते हैं। सर कुछ नामों की चर्चा तो हुई होगी ना कि शिवपाल जी हैं, इंजीत सरोज हैं, राम अचल राजभर हैं, तो कुछ चर्चा ये मुस्कुराहट कुछ और बता रही है आपकी? कोई चर्चा नहीं हुई किसी नाम की, उन्हीं को अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने सुझाव जरूर मांगे कि जिसके जो सुझाव वो लिख करके दे देंगे, हमने भी लिख करके दे दिया है कि आप ही जिसको तय कर देंगे उसी को हम लोग नेता विरोधी दल मानेंगे। तो आप लोगों ने यही लिख के दे दिया कि आप ही तय करो है, हम लोग नहीं कर नेतृत्व में उनके, आपको विधानसभा में रहना है, तय छोड़ दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूंकि नेता विरोधी दल थे अभी तक, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को तय करने का अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही तय कर दें, जिसको तय कर देंगे वही नेता। के सचेतक की भी बात अभी कोई बात नहीं, ये भी उन्हीं के लिए कह दिया कि जिसे तय सब उन्हीं के ऊपर टाल दिया गया, उन्हीं के ऊपर टाल दिया नहीं, उन्हीं को सौंप दिया गया है। अच्छा चलिए ठीक है, तो विधायक कुछ बोलने को अपने मुँह से फिलहाल तैयार नहीं है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है वो तय करेंगे, वही जो है वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिला के जो फैसला है अब अखिलेश यादव को करना है, और फैसला क्या होगा ये अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद पता चलेगा, उनके प्रेस नोट के बाद पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो देखिए सीमा बड़ी जानकारी दे रहे थे ये कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, आज फाइनल होगा, फिलहाल बैठक समाप्त हो चुकी है, अखिलेश यादव अभी भी कार्यालय में ही मौजूद है। आपने देखा कि विधायकों के बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, अभी तक किसी को भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, आम सहमति से अभी तक किसी को नेता नहीं चुना गया। जैसा कि सहयोगी सीमा बता रहे थे कि वो ट्वीट कर सकते हैं या वो पूरी तरीके से बता सकते हैं, उसके बाद ही ये क्लियर होगा। सपा की पार्टी मुख्यालय पर बैठक चल रही थी, बैठक समाप्त हो चुकी है, पार्टी ने इसमें सभी विधायकों को बुलाया, लेकिन नेताओं का भी यही कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश यादव को फैसला लेने के लिए छोड़ दिया। फिलहाल बड़ी बैठक चल रही थी, देखिए सबसे ज्यादा शिवपाल यादव इसमें मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। मुद्दे हैं इस समय बिजली की समस्या बहुत तगड़ी है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, आई लोग दे नहीं पा रहे, तो सरकार हर मुद्दे पर फेल, कानून व्यवस्था पर फेल, किस आधार पर ये करेंगे, विकास काम होते हो नहीं रहा है। अरे किसके नेतृत्व में मुद्दा उठाएंगे सदन में अभी? तो अब तय करेंगे ना, वही तय करेंगे। ऐसे आप लोग टाले दे रहे हैं उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? हमको नहीं जानकारी, हम क्या बता दिया, कोई नाम दिया आप लोगों ने, कोई सुझाव दिया किसी तरह इस मामले में? कोई हम लोग नहीं, इस मामले में ना कोई ऐसी बातें नहीं आई, ऐसी बात आई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि विधायक जो है वो इस मामले पर सीधे तौर पर कोई भी बात नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर करने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग जो है वो विधायक निकल रहे हैं यहाँ से, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और वो सारे के सारे जो है वो लोग बता भी रहे हैं, एक के बाद एक विधायकों के निकलने के यहाँ पर सिलसिला जारी है।
तस्वीरों में देख सकते हैं, उषा मौर्य जी हैं, विधायक हैं हुसैनगंज से, फतेहपुर से। क्या कुछ रहा बैठक में आज? अब जो सदन में बातें होंगी उसी तरह उठाया जाएगा मुद्दा, जिस तरह जनता का मांग है, जिस तरह आज पानी और बिजली से जनता तबाह है। किसके नेतृत्व में उठाएंगी? सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि अखिलेश जी तो आप सांसद बन गए हैं, तो किसके नेतृत्व में उठाएंगे? इतना बड़ा यूपी है, इतने विधायक हैं और वो सांसद में उठाएंगे, ये तो और बड़ी बात हो गई। नहीं, अभी आपका नेता विरोधी दल कौन होगा यही कहने का मतलब, किसके नेतृत्व में? समय बता देगा ना, अब इसके लिए समय बता देगा, अभी से हम क्या बताएं। नहीं तो कोई तय नहीं हुआ नाम वहाँ पे? नहीं, वो माननीय अध्यक्ष जी जान सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ के रखा है सारे विधायकों ने, एक एक विधायक जो है वो बन चुका है, बना भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको तय करेंगे। यहाँ बहुत धन्यवाद आपका सीमा, जानकारी देने के लिए। देश के